hello friends today's topic is bipartite graph and complete bipartite graph this, gra uh, this topic is very very important in every in uh, university in the subject of graph theory or this uh, topic is also important in discrete structure okay in data structure or uh, and many other subjects related to graph theory okay so it's a very simple topic uh, बहुत कोई कंफ्यूजन नहीं आपको मिलेगा ओके सो स्टार्ट विथ दैट वॉट इज अ बाइट ग्राफ एज वी नो दैट दैट एनी ग्राफ इज अ ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड लाइक जी इक्वल्स टू वी एंड ई वेयर वी इज अ वॉट सेट एंड ई इज अ अच सेट हैविंग अ ग्राफ इन हैविंग अ इट कंसिस्ट वी एंड ई इन अ जी ओके नाउ दिस ग्राफ जी इज कॉल्ड बाइपरटाइट Only if the main condition is only if that the vertex set for its first is that the vertex set V can be partitioned or you can say can be split into two half V1 and V2. Okay, first condition that G this G is known as a bipartite if the vertex set V can be split into two parts V1 and V2. Okay, such that such that every edge such that every edge has its ends into two different classes every edge has its end into two sorry into two different classes okay and <coughs> second point is that it has no loop ओके द सेकंड पॉइंट इज इट हैज नो लू थर्ड पॉइंट इज दट इज डिनोटेड बाय इट्स अ कम्प्लीट ग्राफ ओके तो कम्प्लीट सॉरी इट्स अ bipartite ग्राफ तो so, अब पहले हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं तो so, पहली कंडीशन है कि हमारा जो वर्टेक्स सेट है उसको हम V1 और V2 दो वर्टेक्स सेट में पार्टीशन कर लेंगे और इस तरीके से पार्टीशन करेंगे कि जो आपकी एज कंटेन हो रही है वो दोनों डिफरेंट क्लासेस। कुछ मतलब v1 में जो uh, वर्टेज हैं ठीक है उसके आपस में ज्वाइनिंग नहीं होनी चाहिए और दूसरा पॉइंट उसके अंदर कोई सेल्फ लूप नहीं होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास वी मेन वी के पास पांच वर्टेक्स हैं ए बी सी डी एंड ई अब मैं क्या करूंगी इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करूंगी वी और वी में और एज वी में मैंने ले लिया फॉर एग्जाम्पल ए बी एक एग्जाम्पल देख रहे हैं हम और वी में रिमेनिंग हमने वर्टेक्स ले ली सी डी ई ओके तो अब इसको हम बाइपरटाइट कब बोलेंगे कि आपके पास एक क्लास है वी वन ओके एक क्लास है वी टू वी वन में आपके पास वर्टेक्स है ए एंड बी वी टू में आपके पास सी डी एंड ई तो इसको इस ग्रा, इसको ग्राफ बाइपटाइट ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एवरी एज हैज इट्स एंड इनटू टू डिफरेंट मतलब कोई भी एज आपकी जो ज्वाइनिंग है उनके दोनों एंड्स दोनों डिफरेंट क्लास में हो मतलब ए और बी में अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो उस केस में आपका बाइपोटाइट केस नहीं बनेगा तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको ऐसे ज्वाइन करा इसको ऐसे ज्वाइन करा और इसको ऐसे ज्वाइन करा मतलब इस एज अगर मैं ई वन ये ई टू और ये ई थ्री की बात करूं तो ई वन के दोनों एंड्स जो है वो एक एंड वी वन में है एक एंड वी टू में दोनों एंडस डिफरेंट क्लासेस में है तो इस टाइप के ग्राफ को हम क्या बोलेंगे बाइपोटाइट ग्राफ अब इसी बाइपटाइट को मुझे अगर कंप्लीट बाइपोटाइट बनाना है ओके okay, तो इन इन केस ऑफ कंप्लीट बाइपोटाइट बाइपोटाइट आपको पता चल गया क्या है कंप्लीट बाइपोटाइट आपको पता है कंप्लीट मीन्स कि एवरी एवरी वर्टेक्स इज कनेक्टेड टू एवरी अदर वर्टेक्स ओके मीन्स इन दिस इन कंप्लीट बाइपोटाइट ग्राफ ईच वर्टेसिस ऑफ वी वन ईच वर्टेसिज ऑफ वी वन आर कनेक्टेड टू ईच वर्टेक्स ऑफ वी टू वट इज ऑफ वी टू ओके देन द ग्राफ इज नोन एज अ कम्पलीट बाइपोटाइट ग्राफ एंड सेकेंड पॉइंट इज इट इज डिनोटेड बाई के एम एन वेयर एम डिनोट्स नंबर ऑफ एजेस इन वी वन इन वी वन एंड एन डिनोट्स नंबर ऑफ एजिस इन वी टू मीन्स अगर ये ही आपका एग्जाम्पल है बाइपटाइट का और इसी का मुझे कंप्लीट बाइपोटाइट बनाना है तो पहले मैं क्या करूंगी एक क्लास बनाऊंगी वी वन एक ग्राफ बनाऊंगी एक क्लास बनाऊंगी वी टू इसमें ए और बी लिया इसमें सी और डी और ई e लिया तो एवरी वर्टेक्स ऑफ वी वन इज कनेक्टेड टू एवरी अदर वर्टेक्स ऑफ वी टू मीन्स ए आपका सी से ए आपका डी से ए आपका ई e से कनेक्टेड है ठीक है और बी आपका सी से डी से और ई e से कनेक्टेड है ठीक है तो उस केस में आपका ये क्या रिप्रेजेंटेशन होगा के एम एन एम क्या है आपका नंबर ऑफ वर्टिसेस इन वी वन इज टू एन इज नंबर ऑफ वर्टिसेस इज इन वी टू तो टू के कॉमा टू कॉमा थ्री तो दिस इज योर कंप्लीट बायपटाइट ग्राफ थैंक यू सो मच